Good morning, students. Today we will start chapter number 1st, rational number. And this is the introduction part 2nd. इससे पहले वाले वीडियो में हमने रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी. कौन कौन सी क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. और हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को किस पे चेक कर चुके थे? एडिशन पे. नाउ इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. उससे पहले मैं जानूंगी कि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है. ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये हमारी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. अब इसको हमको किस पे डिस्कस करना है? सब्ट्रैक्शन पे. मीन्स ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू सी बाई डी माइनस ए बाई बी. ये हमारी कौन सी साइड है? एल एच एस. और ये कौन सी हमारी? आर एच एस. अगर हमारी एल एच एस इक्वल आ जाती है आर एच एस के तो मैं कह सकती हूँ कि जो सब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी किस पे एप्लीकेबल है? सब्ट्रैक्शन पर एप्लीकेबल है. स्टार्ट करते हैं. मैंने एक एग्जाम्पल लिया 4/3 माइनस 7/3. इसका मैं सब्ट्रैक्शन करूँगी तो एलसीएम क्या आया हमारा? 3. 4 में से 7 माइनस करें तो कितना आया? 3. पर साइन किसका बड़ा है? 7 का, तो माइनस. डिवाइड करने पर मेरा आंसर क्या आएगा? माइनस 1. ये हमारी कौन सी साइड निकली? एल एच एस. कौन सी साइड है ये? एल एच एस. अब हम चेक करेंगे किस पे? आर एच एस पे. अगर हमारी एल एच एस आर एच एस के इक्वल आ जाती है तो दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन पर एप्लीकेबल है. तो अब हम लेंगे आर एच एस. आर एच एस में क्या करना होता है हमें? जो पीछे वाला नंबर होता है वो आगे रहता है, तो आगे वाला नंबर हमारा पीछे चला जाता है. दैट मीन्स 7/3 माइनस 4/3. अगेन मैंने इसका कैल्सियम लिया तो कितना आया? 3. 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया? 3. और डिवाइड करा तो कितना आंसर आया मेरा? 1. तो ये हमारी कौन सी साइन निकली? एल एच एस. तो एल एच एस हमारी निकली माइनस 1 और आर एच एस हमारी निकली 1. तो माइनस 1 और 1 इक्वल है? नहीं. तो दैट मीन्स एल एच एस इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एस. हमारी एल एच एस किसके इक्वल गई? आर एच एस के. तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन पर एप्लीकेबल नहीं है. तो मीन्स नॉट एप्लीकेबल. जो हमारी सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल नहीं है. अब सब्ट्रैक्शन के बाद आता है मल्टीप्लीकेशन. अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को किस पे चेक करेंगे? मल्टीप्लीकेशन पे. अगेन मैंने दो रैशनल नंबर्स लिए 3/4 इनटू, इस केस में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन साइन बीच में यूज होगा क्योंकि हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को किस पे चेक कर रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन पे. तो हमारा कौन सा साइन यूज होगा? मल्टीप्लीकेशन का. इनटू 3/2, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ हमारे दूसरे रैशनल नंबर से. तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आया? 3 × 3 = 9. 4 × 2 = 8. तो ये हमारी कौन सी साइड आई? एल एच एस साइड आई. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आई. अब मैं इसको चेक करूँगी आर एच एस पे. तो आर एच एस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो हमारा सेकेंड रैशनल नंबर है वो आगे आ जाएगा, फर्स्ट वाला पीछे चला जाएगा. तो 3/2 × 3/4. तो 3 × 3 = 9 एंड 2 × 4 = 8. तो ये हमारी आ गई आर एच एस. तो एल एच एस में हमारा आंसर आया 9/8 और आर एच एस में हमारा आंसर आया 9/8. तो दैट मीन्स जो हमारी एल एच एस है किसके इक्वल आ गया? आर एच एस के. सो हम कह सकते हैं कि जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लीकेशन पर क्या है? एप्लीकेबल है. अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमारे लास्ट ऑपरेशन दैट इज ऑपरेशन कौन से? डिवीजन पे चेक करेंगे. तो डिवीजन पे चेक करेंगे हम कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन पर एप्लीकेबल है या नहीं. तो अगेन मैं क्या लूंगी? दो रैशनल नंबर्स लूंगी. 3/4 हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर, इस बार साइन कौन सा यूज होगा? डिवाइड का. और दूसरा रैशनल नंबर लिया मैंने 4/3, उसको मुझे किसके इक्वल आना है? 4/3 / 3/4. अगर हमारी एल एच एस जो है वो आर एच एस के इक्वल हो जाती है तो दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस पर एप्लीकेबल है? डिवीजन पर एप्लीकेबल है. तो सबसे पहले अपनी एल एच एस साइड लेके चलती हूँ. 3/4 / 4/3. हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट, अगर अगेन रेशनल नंबर आता है और वो इक्वल हो जाता है आर एच एस के, तो दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन पर एप्लीकेबल है. सो हम इसको जानते हैं 3/4 × 3/4. तो 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16. तो ये हमारा क्या आ गया?
LHS साइड आ गई। LHS कितनी आई हमारी 9/16। अब हम क्या चेक करेंगे RHS, RHS क्या दे रखी है हमारी 4/3 डिवाइडेड बाय 3/4। सो 4/3 इंटू डिवाइड का साइन हटता है, कौन सा साइन आता है इंटू 4/3। तो 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, ये हमारी आ गई RHS। तो हमारे LHS का रिजल्ट जो आया हुआ है 9/16 और RHS का रिजल्ट आया है 16/19। तो मतलब जो LHS है उसका रेसिप्रोकल क्या हुआ है RHS, मतलब 9/16 का इन्वर्स हो गया RHS में, कितना हो गया 16/19। तो अगेन मैं कह सकती हूँ कि जो हमारी LHS है वो इक्वल नहीं है RHS के, इक्वल नहीं है क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल हो गया है। तो दैट मीन्स जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है डिविजन पर वो नॉट एप्लीकेबल है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बट नॉट ऑन सब। दैट मीन्स जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी वो किस किस पे एप्लीकेबल थी, एडिशन पे एंड मल्टीप्लीकेशन पे, पर किस पे एप्लीकेबल नहीं थी डिविजन पर और सब्ट्रैक्शन पर। इसमें हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट एप्लीकेबल थी और इस वाले केस में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल थी। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, सपोज मैंने 3 नंबर लिए ए प्लस बी प्लस सी। अब पहले वाले केस में मैं इन दो नंबर को ऐड करना पहले चाहूंगी, पहले मैं इन दोनों नंबर को ऐड करूंगी फिर उसके बाद इस नंबर को ऐड करूंगी, और इस वाले केस में पहले मैं इन दोनों नंबर को ऐड करूंगी फिर उसके बाद इसको ऐड करूंगी। तो दैट मीन्स मैं कोई सी भी पेयर को पहले ऐड कर सकती हूँ, पहले वाले केस में मैं ए प्लस बी को ऐड कर रही हूँ, दूसरे वाले केस में मैं बी प्लस सी को ऐड कर रही हूँ। तो यही हमारी क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मीन्स ए प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट। तो मीन्स हम कोई सी भी पहले पेयर्स को ऐड कर सकते हैं और जो बचा हुआ थर्ड नंबर है उसको बाद में ऐड कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अब हम किस पे चेक, किस किस पे चेक करेंगे, एडिशन पर, सब्ट्रैक्शन पर, मल्टीप्लीकेशन पर, अगेन डिविजन पर। सो मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन डिविजन पर एप्लीकेबल है या नहीं, बाकी आप खुद से करके देखेंगे। सो फर्स्ट हम लेते हैं एडिशन, हमें चेक करना है, हमें पता लगाना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पर एप्लीकेबल है या नहीं। तो अगेन मैंने क्या करा, 3 रेशनल नंबर लिए ए बाय बी प्लस सी बाय डी प्लस ई बाय एफ, ये मेरे 3 रेशनल नंबर्स हैं विच इज इक्वल्स टू ए बाय बी प्लस सी बाय डी प्लस ई बाय एफ। अब मैंने कोई सी भी दो पेयर पहले बना के ऐड कर सकती हूँ, तो पहले वाले केस में मैंने इन दोनों का पेयर बनाया फिर इसको ऐड करूँगी, और दूसरे वाले केस में मैंने पहले इनका पेयर बनाया फिर इसको ऐड करूँगी। तो जब मैं ऐड करूँगी तो हमारे दोनों क्या है LHS जो होगी वो RHS के इक्वल आएगी। तो फिर मैं क्या कहूँगी कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन पर क्या होती है हमारी एप्लीकेबल होती है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन क्या है एप्लीकेबल है। मैं आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बता रही हूँ कि वो एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन डिविजन पर एप्लीकेबल है नहीं, आप एग्जाम्पल लेकर खुद से सॉल्व करेंगे। अब हम चेक करते हैं दूसरा सब्ट्रैक्शन पे, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर एप्लीकेबल है या नहीं। तो अगेन मैं क्या लूँगी 3 रेशनल नंबर्स लूँगी ए बाई बी माइनस सी बाई डी माइनस ई बाई एफ इज इक्वल्स टू ए बाई बी माइनस सी बाई डी माइनस ई बाई एफ। अगेन मैं दोनों पेयर बना लूँगी, तो पहले वाले केस में मैंने इन दोनों का पेयर बनाया और सेकेंड वाले केस में मैंने इन दोनों का पेयर बनाया। तो जब मैं इनका सब्ट्रैक्शन करूँगी तो एक नंबर मेरे पास क्या आएगा माइनस में आएगा और एक नंबर मेरा क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा। तो दैट मीन्स जो मेरी LHS होगी वो इक्वल नहीं आएगी RHS की। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा सब्ट्रैक्शन होगा वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये हमारा कौन सा केस बनेगा नॉट एप्लीकेबल का। आप इसके एग्जाम्पल्स लेंगे और खुद से सॉल्व करके देखेंगे और उसका केस क्या आना चाहिए नॉट एप्लीकेबल।